हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ग्रो विद मनी। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम मार्केट में मतलब हर आदमी जानता है, चाहे उसने कभी उसमें ट्रेड किया हो ना किया हो, या इन्वेस्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन वो कंपनी के बारे में जरूर जानते होंगे। और आज के वीडियो में हम उस कंपनी के ना किसी फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, ना किसी टेक्निकल की बात करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि उसने आईपीओ से लेकर अभी तक अपने निवेशकों को अगर कोई होल्ड किया होता तो कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। आप चौंक जाएंगे जब उसकी ये हिस्ट्री देखेंगे। और मार्केट में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी उसने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं वो कंपनी का नाम। तो जी हाँ, वो कंपनी है इंफोसिस लिमिटेड, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में से एक इंफोसिस लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आया था ईयर 1993 में, और इसमें 100 शेयर थे जिनकी इन्वेस्टमेंट था टोटल 9,500 रुपये। तो 9,500 रुपये से इनिशियल स्टेज में कंपनी का आईपीओ शुरू हुआ जिसमें निवेशक को 100 शेयर मिले। उसके बाद 1994 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, तो 100 शेयर के हो गए 200 शेयर। उसके बाद 1997 में फिर से 1:1 का बोनस दिया, 200 शेयर हो गए 400 शेयर। फ्रेंड्स, कैलकुलेट करते चलिएगा आप मेरे साथ में। मैं इसमें तो कैलकुलेशन बता ही रहा हूँ, साथ साथ आप भी करते चलिए। रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे, अनबिलीवेबल वीडियो है। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। 1997 के बाद 1999 में फिर से कंपनी ने बोनस दिया 1:1 का, तो जो 400 शेयर थे वो 800 शेयर हो गए। 1999 में स्टॉक ने स्प्लिट किया, तो जो 800 शेयर थे 1:2 का स्प्लिट हुआ, वो हो गए 1600 शेयर में परिवर्तन। उसके बाद अब देखते चलिए, 1999 तक 100 शेयर में से 1600 शेयर हो चुके हैं। उसके बाद ईयर 2004 आया, 2004 में 3:1 का फिर से बोनस दिया, तो आपके जो 1600 शेयर थे वो हो गए 6400। चार गुने हो, 3:1 का बोनस मिला, मतलब एक पे तीन बोनस मिले। बहुत ही ह्यूज बोनस था ये उस वक्त, तो 1600 से ये हो गए 6400 शेयर। उसके बाद ईयर 2006 यानी कि केवल 2 साल के अंदर ही कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस दिया अपने शेयर होल्डर को, और जो 6400 शेयर थे वो 12,800 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। ईयर 2006 के बाद ईयर 2014 में यहाँ थोड़ा सा गैप मिला, नहीं तो अदरवाइज आप देखो 1993 से 1994, 97, 99 से 2004, 2006, यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो गया। 2014 में कंपनी ने फिर से बोनस दिया 1:1 का, और जो आपके 12,800 शेयर थे वो 25,600 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। आप देखिए, 100 शेयर से जर्नी शुरू की थी 1993 में, और 2014 आते आते 25,600 यानी 25,600 शेयर्स में बदल गए। उसके बाद एक साल बाद ही तुरंत 2025 में कंपनी ने फिर से बोनस का अनाउंसमेंट किया, 1:1 का बोनस दिया, और जो 25,600 यानी 25,600 शेयर थे वो 51,200 शेयर्स में बदल गए। तो अभी तक आपके 50,000 से ज़्यादा शेयर हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट वही है 9,500 रुपीज़ का, और 100 शेयर खरीदे थे जो 2015 तक आते 51,200 में बदल चुके हैं। उसके बाद कंपनी ने 2 या 3 साल बाद सन 2018 ईयर 2018 में फिर से 1:1 का बोनस अनाउंस किया, और शेयर हो गए 1,02,400 शेयर्स में आपके 100 शेयर कन्वर्ट हो चुके ईयर 2018 तक। अब उनको आप कैलकुलेट कीजिए, आज की इंफोसिस की प्राइस चल रहा है इन 1,02,400 यानी 1,02,400 शेयर्स को आज के शेयर के करंट प्राइस
1600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 16,38,40,000। दैट्स अनबिलीवेबल, 16,38,40,000 रुपीस। तो हमने केवल 100 शेयर्स परचेज किए थे, लेकिन अभी शेयर कितने हो गए हैं, 1,02,400। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट था हमारा 9,500, जो कि कन्वर्ट हो गया है 16 करोड़। जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान कंपनी ने केवल एक बार ही ईयर 1999 और 2000 के आसपास केवल एक बार ही स्प्लिट किया है, जिससे हमारी फेस वैल्यू अभी भी 5 रुपये बनी हुई है इस कंपनी की, इंफोसिस लिमिटेड की। जबकि इसकी पीयर कंपनी TCS का फेस वैल्यू केवल 1 रुपये है। विप्रो जो एक अनदर IT कंपनी है, उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है, जबकि SCL टेक की भी 2 रुपये है, टेक महिंद्रा की 5 है। तो इस तरह से फेस वैल्यू के मामले में भी TCS, विप्रो और SCL इन सभी कंपनियों से आगे है, जिससे कि कंपनी में ग्रोथ की और भी आगे संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इसी तरह की और किसी कंपनी के बारे में वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।